Greetings student, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video we are going to start the topic importance of planning. हम planning के पहले meaning को हमने अच्छे से clear किया था with the help of story. And now today we are going to start the topic importance of planning. Now let us start the topic. You must have seen in films and advertisement how executive drawn up plans and make powerful presentation in broad rooms. कि हमने जो है पहले ये देखा, आपने जरूर देखा होगा कि फिल्म्स के अंदर या एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि किस टाइप से एग्जीक्यूटिव प्लान बनाते हैं, राइट? एक प्रेजेंटेशंस देते हैं, वो पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसकी ब्रॉड रूम्स के अंदर और उनको प्रेजेंट करते हैं, देखा ना? मीन्स किसी भी वर्क को करने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं. मेन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, मेन टॉप लेवल के होते हैं जो मैनेजर, वो करते हैं पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले. डू दोज प्लान्स एक्चुअली वर्क? डज इट इम्प्रूव एफिशिएंसी? आफ्टर ऑल वे शुड बी प्लान. क्या जो ये प्लान एक्चुअली में जब वर्क सेम जो प्लानिंग किया हो क्या उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं? काम जो होता है एक्चुअली में जो वर्क होता है क्या प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है? क्या उससे एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है? आफ्टर ऑल वे शुड बी प्लान. दीज आर न्यूमेरियस क्वेश्चंस टू विच वी वुड लाइक टू फाइंड सॉल्यूशंस. बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो हमारे माइंड में घूमते हैं प्लानिंग के बारे में, राइट? बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि हमें उनका जो है वी वुड लाइक टू फाइंड सॉल्यूशन, हम जो है पसंद करेंगे उनका सॉल्यूशन ढूंढने में. फर्स्ट जैसे प्लानिंग सर्टेनली इम्पोर्टेंट एज इट टेल्स अस वेयर टू गो. प्लानिंग को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि प्लानिंग क्या बताता है? हमें कहाँ जाना है, राइट? तो इसलिए हम क्या कहते हैं, प्लानिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैनेजमेंट का जो इसे फर्स्ट फंक्शन बनाया गया है. गॉट द स्टूडेंट? इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग क्या करता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी वर्क को करने के लिए, और जो अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क अराइज होता है उसको रिड्यूस करता है. क्योंकि प्लानिंग के अंदर क्या होता है, जो है बिजनेसमैन जो है फ्यूचर के बारे में एस्टीमेट लगाते हैं कि किसी भी वर्क को कैसे करना है अकॉर्डिंग टू जो सर्कमस्टांसेस चेंज हुई हैं, प्लानिंग में भी चेंज करना और फ्यूचर को पहले से एस्टीमेट भी करके चलते हैं प्लानिंग के अंदर. क्योंकि प्लानिंग क्या है? डिसीजन अबाउट फ्यूचर. तो फ्यूचर में क्या होने वाला है तो प्लानिंग के अंदर जो है फ्यूचर को एस्टीमेट किया जाता है, फिर प्लान बनाए जाते हैं. इट मीन्स जब फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया तो जो रिस्क होने के चांसेज होते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से जो रिस्क होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? क्योंकि रिस्क को हम क्या है अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, बट एलिमिनेट करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट रिड्यूस कर सकते हैं प्लान करके, ताकि हम जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है फोरकास्ट जो हमने की है प्रिपेयर की है फ्यूचर की, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके अगर हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो रिस्क जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. द मेजर बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो. जो है प्लानिंग के जो बेनिफिट्स है उसको हम वन बाय वन जो अब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस. प्लानिंग क्या करता है? एक दिशा प्रोवाइड करता है, राइट? एक जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है जिसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन. कि प्लानिंग क्या करती है, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिफाइंड किए जाते हैं बहुत सिंपल और क्लियर वर्ड्स के अंदर, राइट? कि सबको समझ आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वर्क करना है, ये प्लानिंग के अंदर डिसाइड कर देते हैं. और प्लानिंग से ही पूरी एक्टिविटीज जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करनी है उनको डायरेक्शन मिलती है. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? इट मीन्स प्लानिंग क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट? द आउटकम ऑफ दिस दैट ऑल एम्प्लॉय गेट ए डायरेक्शन एंड ऑल द एफर्ट्स आर फोकस टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर एंड. कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल मीन्स एंड प्रोडक्ट क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की करना है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है। और प्लानिंग क्या करती है कि इंश्योर कर देती है कि हर एम्प्लॉयज को फर्स्टली ऑब्जेक्टिव के बारे में इंटीमेट कर दो, ताकि सब एम्प्लॉयज को पता हो जाए कि हमें इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करना है। राइट, प्लानिंग हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। प्लानिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसलिए प्लानिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं वो क्लियर स्टेटेड होने चाहिए, क्लियर वर्ड्स में और सिंपल होने चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज को समझ आ जाए। राइट, सो दैट दे एक्ट एज ए गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड विच डायरेक्शन। और इसी से क्या है, गाइडेंस भी मिल जाती है एम्प्लॉयज को कि वर्क कैसे करना है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक डायरेक्शन मिल जाती है। राइट, इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट टू डू अचीव दीज गोल्स। अगर गोल्स जो है डिफाइन होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल है डिफाइन होंगे एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज उनके लिए अवेयर होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या करना है उन्होंने, व्हाट दे मस्ट टू डू अचीव दीज गोल्स, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब एम्प्लॉयज के क्या है, पर्सनल गोल भी होते हैं जिसके लिए वो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर किया है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल भी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना वो वर्क भी प्लानिंग के अंदर ही होता है। प्लानिंग ही कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन गोल और इंडिविजुअल गोल के अंदर। उनको मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते हैं तो धीरे धीरे उनके पर्सनल गोल अपने आप अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। इफ देयर वाज नो प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव द डिजायर गोल्स। कि अगर एम्प्लॉयज जो है अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने डिजायर गोल मींस जो उन्होंने सोच रखे हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। कि अगर एम्प्लॉयज सभी अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी भी अचीव नहीं किए जा सकते। गॉट स्टूडेंट दिस पॉइंट, यू गॉट इट? यस, कि प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है एम्प्लॉयज के बीच में। राइट, कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं बट उनका गोल क्या रहना चाहिए, सेम। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स ए मैनेजर टू लुक एट एंड एंटिसिपेटेड चेंजेस। प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो कि एक मैनेजर को फ्यूचर में देखने के लिए एनेबल कर देती है, जो फ्यूचर में देखने के लिए इतना एबल कर देती है कि वो जो एंटिसिपेटेड चेंजेस मींस जो चेंजेस होने वाले हैं उनका एस्टिमेट लगाए और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करे। प्लानिंग ही एक एक्टिविटी है जो कि पहले से ही जो है मैनेजर को फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने के लिए जो मोटिवेट करती है कि पहले फ्यूचर को एंटिसिपेट करो, क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। बट फ्यूचर इज अनसर्टेन। राइट, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। अगर हम उनके फ्यूचर में होने वाले जो चेंजेस को एस्टिमेट जो है अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल ईजिली अचीव हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो है प्लान क्या होंगे, उन एक्टिविटीज़ को बेस्ट कैसे किया जा सकता है उस पर फोकस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस चेंजेस। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर आर एंटिसिपेटेड एंड वेरियस एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कि फ्यूचर को प्लान करके फिर एक्टिविटी को डिसाइड करना, ताकि ऑब्जेक्टिव के गोल्स है जो आप
अच्छी तरह से अचीव कर सके, टाइमली अचीव कर सके और लेस कॉस्ट पर अचीव कर सके। इन दिस वे द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी कैन बी मिनिमाइज्ड। प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। प्लानिंग ही बताती है कि किस टाइप से जो अनसर्टेन इवेंट आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो उनसे कैसे डील करना है। चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप। चेंजेस होते हैं, जो इवेंट होते हैं, उनको कभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। उनके बारे में क्या है, केवल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और उनसे फेस करने के लिए प्लान कर सकते हैं। उनको हम बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उनको पहले प्लान करके हम बिजनेस को जो उन चेंजेस से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब वो चेंजेस होंगे तो बिजनेस ने अपने आप जो पहले से ही प्लान किया हुआ है, तो कोई भी ऐसे चेंजेस होते हैं तो बिजनेस इजीली फेस आउट कर सकते हैं उन चेंजेस के साथ। तो हमेशा क्या है कि एलिमिनेट नहीं करता रिस्क को, बल्कि क्या करता है, रिस्क को रिड्यूस कर देता है। और जो कि मैनेजरियल जो है रिस्पॉन्स ऑफ देम कैन बी डेवलप, और केवल ये मैनेजरियल जो रिस्पॉन्स एक मैनेजर जो है इस टाइप से डेवलप कर सकता है कि एक्टिविटी जो अच्छे से होगी जब वो फ्यूचर को एस्टिमेट करेंगे। तो got this student, now come to the third, planning reduces overlapping and wasteful activity। planning क्या करता है कि overlapping activity means जो कई बार क्या होती है, important work होता है but वो क्या होता है, छूट जाता है, भूल जाते हैं हम लोग, और कई बार क्या होता है, unnecessary activity बार बार कर देते हैं। तो planning reduce करता है कि कोई भी important work है वो छूटे ना, और unnecessary है जो वो बार बार ना हो, उसको कम करता है, राइट। ओवरलैपिंग एक्टिविटी को या वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है, राइट। प्लानिंग सर्व एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। प्लानिंग क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनाता है सभी डिवीजन्स के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर और आपस में इंडिविजुअल्स का भी। इट मीन्स प्लानिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क कैसे करना है इसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है सभी को, डिवीजन हेड को, डिपार्टमेंट वालों को भी और इंडिविजुअल्स को भी। तो इससे क्या होगा कि अवॉइड हो जाएगा कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी आपस में, क्योंकि सबको क्लियर होगा कि क्या काम करना है, कैसे वर्क करना है, राइट। कौन करेगा, कौन किसको वर्क करने के बाद रिपोर्ट करेगा, मींस सुपीरियर और जो भी सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, अथॉरिटी और जो इसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन हो जाती है, राइट। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्या हो जाती है, अवॉइड हो जाती है। Since planning assures clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruptions। कि अगर सबको क्लियर होगा कि मुझे ये काम करना है, thoughts क्लियर होंगे बिल्कुल, तो action भी क्या होंगे, उसी according किए जाएंगे। Work बिना किसी भी दखलंदाजी के, बिना किसी interruption के smoothly जो चलेगा, right student? Useless and dead-end जो एक्टिविटी होंगी, जो वेस्ट एक्टिविटी होंगी, वो क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी कुछ तो बिल्कुल ही, और कुछ मिनिमाइज हो जाएंगी। इट इज ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसी एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। कि प्लानिंग के द्वारा जब सबकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, अगर कोई डिपार्टमेंट जो अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क नहीं कर रहा है या जो टारगेट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा, तो उनकी इनएफिशिएंसी का पता लग जाता है। इजीली डिटेक्ट मींस आसानी से पता लग जाती है इनएफिशिएंसी के बारे में, कि उस वर्कर ने केयरलेस शो किया है इसलिए वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, यस, या वर्क पे टाइम ज़्यादा डिवोट कर दिया, तो इनएफिशिएंसी शो हो जाती है।
ताकि अगर इनएफिशिएंसी पता लग जाती है तो क्या करेक्टिव मेजर्स करने हैं उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, ये भी प्लानिंग में होता है। और प्लानिंग के द्वारा ही जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, इनएफिशिएंसी आती है तो करेक्टिव मेजर्स जो है पहले से डिसीजन होता है उनका और वो इजीली फॉलोअप किए जा सकते हैं। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव। प्लानिंग क्या करती है? इनोवेटिव मीन्स न्यू जो है आइडियाज़ को डेवलप करती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप, न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है और इम्पोर्टेंट का फंक्शन है ये मैनेजमेंट का। इसमें क्या है कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करना है, उस वर्क को करने के लिए अल्टरनेट जो होते हैं वो मोर देन वन होते हैं एक मैनेजर के पास, और उस अल्टरनेट में से बेस्ट को चूज करना है। राइट स्टूडेंट? इट मीन्स इस एक्टिविटी में क्या होगा, जब एक मैनेजर को वर्क करना पड़ेगा तो उसके जो उसके माइंड में क्या होंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ को फिर वो क्या करेगा, डीप थिंकिंग करेगा। राइट? उनके बारे में जो है डीपली वो सोचेगा, इंटेंसिवली उनके ऊपर जो है वर्क करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि विच इज़ बेस्ट एंड देन चूज द बेस्ट। इन दिस वे प्लानिंग इम्पार्ट ए रियल पावर ऑफ थिंकिंग इन द मैनेजर्स। इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज। कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के द्वारा जो क्या होता है, एक इस टाइप की जो रियल पावर जो मैनेजर के अंदर जो है सोचने की, किसी भी काम को करने के लिए सोच कर विचार कर कैसे काम करना है, या इस टाइप की जो है पावर जो है मैनेजर्स के अंदर चली जाती है, थिंकिंग पावर, और वो भी रियल थिंकिंग पावर। और जिससे क्या होता है, नए नए आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं एक मैनेजर के माइंड में। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजरमेंट एज इट्स गाइड ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। ये जो हमारी प्लानिंग एक्टिविटी है ये बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इसमें जो गाइडनेस मिलती है वो फ्यूचर के लिए होती है। फ्यूचर में जो वर्क किस टाइप से करना है, कैसे करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ग्रोथ हो, प्रोस्पेरिटी आए। और एक्शन जो होते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए हैं और फ्यूचर के लिए प्लानिंग एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है। राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करती है, डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प करती है। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर्स टू लुक इन टू द फ्यूचर एंड मेक ए च्वाइसेस राइट फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। द मैनेजर हैज़ टू इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वैल्यूएबल प्रपोजिशन। मैनेजर का क्या काम है कि जो अल्टरनेटिव हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, उसमें वैल्यूएबल जो प्रपोजिशन जो बनता हो उसको चूज करना है, जो सहयोग इस टाइप का बने कि बेस्ट आउटपुट दे, लोएस्ट कॉस्ट पर दे। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशन। प्लानिंग के अंदर जो टारगेट की सेटिंग की जाती है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है, और जो कि एक मैनेजर्स को रेशनल डिसीजन लेने में हेल्पफुल होते हैं। मीन्स जिसके बेस पर एक मैनेजर बहुत सोच विचार कर डिसीजन लेता है, क्योंकि जब अल्टरनेटिव जो च्वाइसेस में से एक बेस्ट को चूज करना है तो बहुत सोच विचार कर वो जो है डिसीजन लेगा। नाउ कम टू द सिक्स पॉइंट, प्लानिंग एस्टैब्लिश टेंडर फॉर कंट्रोलिंग। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट? प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड कि वर्क के बारे में भी हो सकता है, लेबर के बारे में हो सकती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में भी हो सकते हैं। द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न विद एकॉम्प्लिस
प्री डिटरमाइंड गोल्स थ्रू प्लानिंग। सारी मैनेजरियल जो प्रोसेस होती है गोल को अचीव करने के लिए जो है एफर्ट्स करते हैं, लेकिन एक्टिविटी कौन कौन सी होंगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मीन्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है जो हमें पहले से डिसाइड है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, कब कौन सी एक्टिविटी होगी, क्या किया जाएगा उस वर्क को पूरा करने के लिए, कौन करेगा, राइट। इसलिए जो है हर वर्क के बारे में, चाहे वो टाइम के बारे में हो, जो टाइम डिवोट होता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, राइट, स्टैंडर्ड मीन्स वर्क के लिए हो सकते हैं, टाइम के लिए हो सकते हैं, कॉस्ट के लिए हो सकते हैं, और कंट्रोलिंग के अंदर क्या किया जाएगा, जो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग है। उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं, उनकी जो प्रीमाइसिस डेवलपिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में। डायरेक्टिंग के अंदर उससे पहले स्टाफिंग करेंगे, स्टाफिंग में जो है इम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए इस टाइप के स्किल की जो इम्प्लॉयज़ की नीड है, राइट, और उसको अपॉइंट किया जाता है। फिर उन्हें डायरेक्ट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, चाहे लीडरशिप के द्वारा मोटिवेट करना हो, मीन्स इन्फ्लुएंस करना हो। लास्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं प्लानिंग के अंदर उनकी मेजरमेंट की जाती है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि एक्चुअल वर्क भी हो जाता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन किया जाता है बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम ऑफ स्टैंडर्ड। मैनेजर कैन नो वेदर दे आर एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल्स। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे मैनेजर क्या एस्टिमेट लगाते हैं कि एक्चुअली में जो गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए, राइट, जो टारगेट था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। इफ़ देयर इज एनी डेविएशन इट कैन बी करेक्टेड। अगर कोई भी कमी आई है उनमें, जो डेविएशन आया है, तो उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर स्टेप उठाए जाते हैं मैनेजर के द्वारा। डेविएशन जो है, कुछ डेविएशन क्या होते हैं कि नियर अबाउट है, वो एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाते हैं, बट जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होता है तो मैनेजमेंट को जो स्टेप उठाने पड़ते हैं उन डेविएशन को ठीक करने के लिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगी। देयरफॉर वी कैन से प्लानिंग इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर कंट्रोलिंग, कि अगर कंट्रोलिंग एस्पेक्ट पूरा करना है तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। इट मीन्स बेस कंट्रोलिंग को कहाँ से मिला, प्लानिंग से, राइट स्टूडेंट, क्योंकि प्लानिंग में ही स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए। अगर कोई गोल नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो डेविएशन कहाँ से होगा, राइट। इट मीन्स कंट्रोलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट स्टूडेंट, कि कंट्रोलिंग किसकी करोगे जब आपने कोई स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड कर रखा, कोई आपने प्लान नहीं कर रखा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कंट्रोलिंग तो पॉसिबल ही नहीं। नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, कि करेक्टिव एक्शन तभी उठाए जाएंगे जब कंपैरिजन होगा, राइट, और डेविएशन जो है फाइंड आउट किए जाएंगे, उन डेविएशन का एक्सटेंट देखा जाएगा और फिर उनको जो है स्टेप उठा के उनको दूर किया जाएगा, ताकि ये फिर से रिपीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हो, क्योंकि ये एक हर्डल क्रिएट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, राइट स्टूडेंट। इट मीन्स प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग जो है बेस भी प्रोवाइड करती है कंट्रोलिंग के लिए, राइट। तो सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, कि प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटी उनको क्या करता है, कम कर देता है, राइट, ओवरलैपिंग नहीं होने देता किसी भी एक्टिविटी की। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग के द्वारा ही नए नए आइडियाज जो माइंड में आते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के द्वारा ही जो डायरेक्शन गाइडनेस जो मिल जाती है, ताकि जो एक मैनेजर है वो ईजिली डिसीजन ले सके। और प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर
कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर ही जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं ताकि कंट्रोलिंग ईजली हो जाए, कंट्रोलिंग हो। कंट्रोलिंग नहीं होगी तो क्या है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं किया जा सकते। आप कितनी प्लानिंग कर लो, अगर आपने डेविएशन फाइंड करके छोड़ दिया तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपको उन डेविएशन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस भी करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे। राइट स्टूडेंट, सो दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग अपडेट्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।